सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं टेक मोहित। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है जिसमें हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे JBL का एक हेडफोन जिसका जो मॉडल नंबर है वो है SH12। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, जैसे कि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इस तरीके की आपको बैक पॉकेट मिलती है, आप देख सकते हैं बॉक्स इस तरीके में है और बैक साइड में कुछ लिखा हुआ है JBL के बारे में, जैसे कि मॉडल नंबर SH12 वायरलेस स्टाइल हेडफोन्स विद रिमोट, मॉडल नंबर है SH12। इसमें बहुत सारी लैंग्वेज से लिखा हुआ है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। और बॉटम साइड में कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ कंडीशन के बारे में बताया गया है, टर्म्स एंड कंडीशन वो हैं। और यहाँ लिखा हुआ है वायरलेस स्कोरिंग का आपको मिल जाता है, सिनेमा देख सकते हैं, माइक्रो चैनल चैट, लिसन टू म्यूज़िक, और यहाँ पे एक बार कोड दिया हुआ है जिसको आप स्कैन करके मैन्युफैक्चर डेट दे सकते हैं इसकी। तो सबसे पहले चलते हैं इसको खोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे ही यहाँ से खुलता है, मतलब इस चीज़ को प्रेस करने के बाद ये खुल गया, ऐसे खोलते हैं हम इसे। और ये रहा हमारा हेडफोन, इस बॉक्स को फेंक देते हैं। तो ये रहा हेडफोन, मेन हेडफोन पे फोकस करते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमको हेडफोन मिलता है, आप देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी काफ़ी लोकल लग रही है मुझे, क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं है, फेक में है। तो चलिए अब देख बात करते हैं किस तरीके से बना हुआ है। तो इसमें आपको दो मिलते हैं ड्राइवर यूनिट जो कि 40 mm के हैं। तो यहाँ आपको मिलता है लिखा हुआ ब्लूटूथ स्टीरियो डायनेमिक हेडफोन SH12। ये है राइट साइड में, देख सकते हैं आप कुछ ऐसा है, रेड कलर में मिल जाते हैं आपको ये, और इसके और भी कलर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से इसे बाय कर सकते हैं। और सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है, और ये लेफ्ट साइड है, यहाँ आपको एक जैक, दो जैक मिल जाते हैं जो कि एक माइक्रो USB है और एक है 3.5 mm ऑक्स के लिए, इसे आप ऑक्स से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दो माइक्रोफोन के होल्स मिल जाते हैं आपको, एक मिल जाता है आपको मेमोरी कार्ड के लिए, चार बटन मिलते हैं आपको यहाँ पे, ये देखिए चार बटन यहाँ पे दिए गए हैं, ये देखिए चार बटन दिए गए हैं, एक है ऑन ऑफ के लिए, एक है कॉल के लिए, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, पॉज एंड प्ले के लिए, कुछ ऐसा मिलता है आपको। अभी हम आपको दिखाएंगे इसमें म्यूज़िक प्ले करके। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जो साउंड है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसको हम पेयर करेंगे। तो इसका जो बटन है ऑन करने का वो हमें मिलता है राइट साइड की तरफ, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ, हाँ राइट साइड है। तो इसे दबा, ये बटन दबा के इसको ऑन करते हैं। तो ये देखिए अब ये इसका जो ब्लूटूथ वो ऑन हो गया है। अब इसमें जो लाइट्स का सिस्टम है, देखिए इसमें लाइट भी जलने लगी है, फ्लैश की वजह से नहीं दिख रहा होगा आपको। तो चलिए अब इसमें अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हैं। तो ये रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये डिवाइस आ गया। तो चलिए कनेक्ट कर लेते हैं, और अब मैं एक नॉन कॉपीराइट गाना बजाता हूँ इसमें। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।